यह हो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। केजीएफ को लेकर अभी तक किसी को टेंशन नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि केजीएफ आखिर क्या है। और करीबन करीबन 2-3 हफ्तों से पहले से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ लोगों को कि केजीएफ एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। लेकिन फिर भी आई थिंक लोग कह रहे थे कि मुझे यार मैंने पहली दफ़ा नाम सुना, वो भी तेरे पास से ही मैं सुन रहा हूँ। तो भैया आज तो भैया आप दुनिया ही जान गई होगी कि केजीएफ क्या है, राइट? अब तो आपकी आंखें खुल गई होंगी कि केजीएफ एक्चुअली कितनी बड़ी फिल्म है। और आज एक मेगा लॉन्च था बेंगलोर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया आए थे। ग्रैंड लॉन्च था और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कई जगह से बुलाया गया। और यहाँ पर इस फिल्म के लेकर क्लैश को लेकर बहुत बड़ी बात कही है रॉकिंग स्टार यश ने। यश जो है हीरो है इस फिल्म के, यानी कि केजीएफ से के जो हीरोइन से पूछा गया कि यार आपकी फिल्म 21 दिसंबर को हिंदी वर्जन में आ रही है, और हिंदी वर्जन में भी यानी कि शाहरुख खान की फिल्म भी है 21 तारीख को, यानी कि जीरो, तो आपको कितना क्या मतलब आपकी क्या राय उसको लेकर कि जीरो के आगे कितना चलेगी, नहीं चलेगी, क्या होगा, आपकी फिल्म को लेकर क्या कहना है? और मैं बहुत ही मतलब बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि आई मीन जो आंसर दिया है इन्होंने, यश ने बहुत ही अच्छी तरह से आंसर दिया है। आई मीन इससे इतना साफ लगता है कि ही इज़ प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज़ डन इन केजीएफ। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने कहा कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देर इज़ इनाफ स्पेस फॉर टू फिल्म्स टू सर्वाइव। यानी कि यश कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो 21 दिसंबर का एक ऐसा वक्त है जहाँ पे दो फिल्में एक साथ चल सकती है। नॉट वन फिल्म कैन एक्वायर द होल कंट्री, और कोई एक फिल्म पूरे इंडिया को वो नहीं कर सकती है, मतलब हर जगह नहीं दिखाई जा सकती, हर जगह नहीं कब्जा कर सकती कोई एक फिल्म, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया, राइट? जीरो इज ए बिग एंटीसिपेटेड फिल्म, बट वी आर रिलीजिंग द फिल्म इन 5 languages। मैं मानता हूँ जीरो एक बड़ी एंटीसिपेटेड, यानी कि बहुत बेसब्री से लोग जीरो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी फिल्म 5 भाषा में रिलीज हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे उन्होंने कहा सो वी हैड टू हैव ए डेट दैट इज सूटेबल फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। और हमारी फिल्म 5 भाषा में रिलीज़ हो रही है, इसीलिए हमारा ये फर्स्ट था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर को सही लगे, जो अलग अलग लैंग्वेज में लोगों ने खरीदी है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, उनके हिसाब से सूटेबल डेट लोगों को बातचीत करके यही निकालेगी कि दिसंबर 21 एक अच्छी डेट होगी। सीम्स टू बी द डेट सूटेबल फॉर ऑल लिखा है, ठीक है? सो वी डिसाइडेड टू रिलीज ऑन दैट डे। आई नो वी विल हैव ए बिग कॉम्पिटिशन इन हिंदी। मैं जानता हूँ कि हमें इस दिन रिलीज करने का खामियाजी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन जीरो के नाम से, बट आई थिंक इट इज़ ओके। फिर भी मुझे लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम्पिटिशन है तो। द मूवी इज़ गुड सो इट विल हैव इट्स ओन स्टैंड। यानी कि अगर फिल्म अच्छी है तो उसको उसकी अपनी खुद की ताकत होती है कि भैया कितनी भी बड़ी कंपटीशन क्यों ना हो वो चल सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर यानी कि ये कहना है कि जो रॉकिंग स्टार यश है, यानी कि बहुत ही पॉपुलर स्टार है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के, और इन्हें कोई दिक्कत नहीं, इनको पता है कि इनको इनकी फिल्म पर भरोसा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप कितने खुश हैं इनके एक राय से यश की, कि किस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं इस क्लैश को लेकर? मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव वे से उन्होंने आंसर दिया, एंड आई थिंक ऑडियंस विल डेफिनेटली गोइंग टू एंटरटेन हिम। और इसके जो ट्रेलर के व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और दिस इज सर्टनली ए बिगनिंग ऑफ ए न्यू जनरेशन हीरो, दैट इज़ यश, और आई कैन से चलिए फिलहाल इतना ही।